हेलो स्टूडेंट्स टुडे वील डिस्कस अबाउट द कंसेप्चुअल ओवरव्यू ऑफ द रिब्स आज के इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि रिब्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है रिब्स की काउंटिंग कैसे करते हैं एंड इसको जानना जरूरी क्यों है वाई द नॉलेज ऑफ रिब्स इज इम्पॉर्टेंट इन क्लिनिकल सिनेरियो सो फर्स्ट विल सी द जनरल कंसिडरेशन ऑफ द रिब्स हम चेस्ट वॉल में बेसिकली साइड्स में जो स्ट्रक्चर देखते हैं दिस इज फॉर्म बाय द रिब्स नाउ द सेकेंड थिंग यू नो दैट नॉर्मली देर आर ट्वेल्व पेयर वाई वी आर यूजिंग द वर्ड नॉर्मली बिकॉज समटाइम्स वॉट विल हैपन यू हैव द सर्वाइकल रिब और समाइम्स यू हैव द एबसेंट ऑफ द ट्वेल्थ रिप सो नॉर्मली वी हैव द 12 पेयर ऑफ द रिप्स एंड विच आर नंबर्ड फ्रॉम अब डाउनवर्ड्स द लेंथ ऑफ द रिप इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू सेवन अगर आप लेंथ की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रिप से अगर आप सेवंथ रिप तक आएंगे तो आपकी जो लेंथ है वो बढ़ती जाती है और एट रिप के बाद वापस लेंथ कम होती जाती है यानी सबसे लंबी रिप कौन सी होती है विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिप आंसर इज सेवेंथ सो दिव इज द लॉन्गेस्ट रिप एंड रिब्स आर प्लेस्ड ऑब्लिकली नाउ दिस नॉलेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वेन एवर यू आर रीडिंग द एक्सरे चेस्ट जब आप एक्सरे चेस्ट देख रहे हैं तो उस टाइम हमें यह ओरियंटेशन होना चाहिए कि एक्सरे चेस्ट में कौन सा एंटीरियर एंड है और कौन सा पोस्टीरियर एंड है बिकॉज हमारे जो रिब्स हैं उनका एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड एक हॉरिजेंटल प्लेन में नहीं होता है द रिब्स आर ऑब्लिक ऑब्लिक प्लेस्ड होने की वजह से एंटीरियर एंड लोअर होते हैं पोस्टीरियर एंड हायर होते हैं वेन वी आर सींग एक्सरे चेस्ट नाउ वेन ऑब्लिगिटी इट इज मैक्सिमम एट नाइन्थ और टेंथ रिप द एथ रिब इज मोस्टली मोस्ट लेटरली प्रोजेक्टेड यानी जब आप आप चेस्ट वॉल का कर्वेचर देख रहे हो तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट कर्वेचर है वो एट थ्रिप पे हमें देखने को मिलता है The another important thing is that intercostal spaces are deeper in the front than behind. मतलब क्या हुआ कि अगर आप दो ribs के बीच में space देखने वाले हो जिसको हम intercostal space बोलते हैं so it is more deeper anteriorly. Clear? एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि नीचे रिब्स क्राउडेड हो जाती हैं क्राउडेड हो जाने से अगेन द इंटरकोस्टल स्पेस आर नॉट वेरी वेल डिफाइंड और यू कैन से द स्पेस इज डिक्रीजेस सो दीज आर द सम जनरल कंसिडरेशन अबाउट द रिब्स विच यू शुड नो नाउ हाउ टू क्लासिफाई द रिब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम रिब्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं एक तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्ट आर्टिकुलेशन द वर्ड डायरेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द थिंग इज ऑन द द बेसिस ऑफ देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स जब मैं डायरेक्ट आर्टिकुलेशन विद स्टर्नम की बात कर रहा हूं यानी अगर ये पोस्टीरियरली आपका वर्टिब्रल कॉलम है और आगे स्टर्नम है तो इनके बीच में जो रिब्स डायरेक्टली कनेक्ट है वो और जो इनडायरेक्टली कनेक्ट है वो So, यहां पे हम इस बेस पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स ट्रू रिब्स वो रिब्स हैं जो स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में डायरेक्टली कनेक्ट है ये कौन सी होती हैं ये अपर सेवन रिब होती है यानी वन टू सेवन दीज आर द सेवन रिब्स जो डायरेक्टली पोस्टीरियरली थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके एंटीरियरली स्टर्नम तक कनेक्ट होती हैं इसीलिए हम इनको बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल vertebro sternal ribs now the second type of ribs on the basis of connection with the sternum is false rib false rib matlab ye hua ki ye ribs ya to तो connected nahi hai या indirectly sternum तक पहुंच रही हैं इसीलिए हमने इनको दो नाम दिए वर्टिब्रो costal और vertebral. ठीक है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड वर्टिब्रो एक्स्टर्नल दे आर कॉन्ड्रल कॉन्ड्रल मीन कार्टिलेज सो दीज रिब्स आर पोस्टीरियरली अटैच टू द वर्टिब्रा बट एंटीरियरली अटैच टू द कार्टिलेज कॉस्टल कार्टिलेज एंड दिस ग्रुप ऑफ द रिब्स डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कनेक्शन विद द कार्टिलेज और स्टर्नम बट पोस्टीरियरली दे ऑल्सो कनेक्टेड विद द वर्टिब्रा सो यहां पर जो रिब्स हैं वो है हमारी 8th to 12th ये जो 8th to 12th हैं इसमें आपकी 8th 9th एंड 10th ये तीन रिब होती हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल एंड 11th एंड 12th रिब दे आर नोन एज वर्टीब्रल रिब। ये वर्टिब्रल रिब्स फ्लोटिंग रिब्स भी कहलाती हैं दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज फ्लोटिंग रिब्स, रिब्स बिकॉज़ ये एंटीरियरली आपके स्टर्नम या कॉस्टल कार्टिलेज को अप्रोच नहीं कर पाती हैं दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है फीचर्स के आधार पे टिपिकल एंड ए टिपिकल टिपिकल रिब्स वो हैं जो क्लासिकल फीचर्स ऑफ रिब्स को फॉलो करती हैं दैट आई विल डिस्कस इन द कमिंग स्लाइड एंड उन फीचर्स uh, को जो रिब्स फॉलो नहीं कर पा रही हैं दोज आर हैविंग देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक दे आर नोन एज ए टिपिकल रिब और ए टिपिकल रिब होती हैं फर्स्ट सेकंड 10th 11th एंड 12th टिपिकल रिब होती हैं 3 टू 9 ये सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं और इवन इन द वाय वेन यू आर एपेयरिंग फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम वायवा यू हैव सच काइंड ऑफ द क्लासिफिकेशन नेम द फॉल्स रेब्स नेम द वर्टिब्रो कॉन्डरल रेब्स नेम द वर्टिब्रो एक्सटर्नल रेब्स वॉट डू यू मीन बाय टिपिकल रेब वॉट डू यू मीन बायपिकल रिप नाउ वील सी इन दिस डायग्राम नाउ वॉट यू हैव टू नो दैट दिस इज ए टिपिकल रिप वेन यू विल सी दिस करवेचर दिस इज द करवेचर ऑफ ए टिपिकल रिप एंड दिस रिब पोस्टीरियरली अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम एंटीरियरली इट इज अटैच टू द एक्टर्नम सो क्या हुआ ये वर्टिब्रो एक्स्टर्नल इस रिब का नाम क्या हुआ वर्टिब्रो एक्स्टर्नल रिब नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट की ये जो रिब है ये ट्रू है या फॉल्स है आंसर ये ट्रू रिब है क्यों ट्रू रिब है बिकॉज फॉल्स रिब्स वो हैं जो कि एंटीरियर एंड पे या तो कार्टिलेज के साथ अटैच हो गई या फ्री हैं। बट ये रिब डायरेक्टली किसके साथ अटैच हो गई यहां पे एक्स्टर्नम पे आके विद हेल्प ऑफ दिस कॉस्टल कार्टिलेज तो ये रिब क्या कहलाई दिस डायग्राम इज शोइंग ए ट्रू रिब विच इज एक्चुअली ए वर्टिब्रो एक्स्टर्नल रिब क्लियर नाउंड इन दिस डायग्राम वी कैन एप्रिशिएट ऑल द ऑफ़ द रिब्स देखिए यहां पे आप देख रहे हो ये रिब डायरेक्ट ये भी ये सारे रिब्स पीछे तो किससे कनेक्ट हैं आपके वर्टीब्रल कॉलम से और एंटीरियरली हम यहां देख रहे हैं कि ये स्टर्नम से कनेक्ट है तो ये है पहली दिस इज सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड ये भी डायरेक्ट कनेक्ट है दिस इज सेवन नाउ यू कैन सी दैट ये सात रिब्स

ये तीनों किसका एट सॉरी एट नाइन टेन ये जो तीनों रिब्स हैं एट्थ नाइन्थ एंड ये जो तीनों रिब्स हैं ये कौन से कॉर्टिलेज के साथ मर्ज हो गया सेवन के साथ ठीक है दे आर नॉट अप्रोचिंग द स्टर्नम डायरेक्टली इसलिए ये रिब्स क्या कहलाई वर्टिब्रो कॉन्ड्रल सी कॉन्ड्रल एंड सी स्टैंड फॉर कॉस्टल कार्टिलेज ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है दिस इज कॉस्टल कार्टिलेज सो वी आर यूजिंग द वर्ड कॉन्ड्रल सो so, ये तीन रिब्स क्या कहलाई एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ दे आर नोन एज वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स ठीक है और ये जो लास्ट की दो रिब्स होती हैं यहां पे आप ये देख पा रहे हो दिस इज नॉट एबल टू अप्रोच एंटीरियरली तो ये जो दो रिब्स हैं ये दो रिब्स क्या कहलाई फ्लोटिंग रिब्स बट पोस्टीरियरली दे आर कनेक्टेड विद द वर्टिब्रल कॉलम सो दे आर ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल रिब्स ठीक है सो so, यहां पे आप तीनों वेराइटी देख रहे हो ये वाली रिब्स क्या कहलाई वर्टिब्रो स्टर्नल ये क्या कहलाएं? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल और ये दोनों क्या कहलाएं वर्टिब्रल रिब्स ठीक है सो so, अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपको अगर कोई पूछे कि फॉल्स रिब्स कौन कौन सी होती हैं तो फ्लोटिंग रिब भी फॉल्स रिब होती हैं, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब भी फॉल्स रिब्स होती हैं वर्टिब्रल रिब्स भी फॉल्स रिब्स होती हैं क्लियर सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन नाउ इस डायग्राम में भी आप ये चीज बहुत क्लियरली अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि यहां पे अगेन यू कैन सी दैट ये फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवंथ यानी सेवंथ कार्टिलेज तक आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है विद द स्टर्नम ठीक है यहां पे ये जो एंगल बना ये एंगल कहलाता है सब कॉस्टल एंगल वॉट इज दैट सब कॉस्टल एंगल तो सब कॉस्टल एंगल में मेन कंट्रीब्यूशन कौन से कार्टिलेज का है आंसर ये नाइन्थ है, है और सब टेंटल एंगल स्टार्ट हो जाता है सेवंथ कॉस्टल कार्टिलेज से और दोनों साइड के कॉस्टल कार्टिलेज मिलके एक एंगल क्रिएट करते हैं दैट इज नोन एज सब कॉस्टल एंगल नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ टिपिकल रिब हमने अभी पढ़ा कि रिब्स दो तरीके की हैं टिपिकल एंड ए टिपिकल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स सो ये नॉलेज हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसी भी चीज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए व्हाट आर द क्लासिकल और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए टिपिकल रिब तो देखिए द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज दैट इट इज हैविंग कर्व शाफ्ट शाफ्ट कैसा है कर्व उसके एंड कितने हैं दो एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड एंटीरियर एंड कंटिन्यू करेगा विद द कॉस्टल कार्टिलेज जो हम बार बार देख रहे हैं सो एंटीरियरली इज ए कॉस्टल कार्टिलेज पोस्टीरियर पोस्टीरियर एंड एंड कहां जाएगा इट विल गो टूवर्ड दर्टिब्रल कॉलम सो पोस्टीरियर एंड आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्रल कॉलम बट यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टिपिकल रेब होती है उसके पोस्टीरियर एंड पे हेड नेक एंड ट्यूबरकल मिलता है नाउ दिस थिंग इज बिकम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए टिपिकल रिब अगर कोई आपको पूछता है कि वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ए टिपिकल रिब सो यू शुड हैव दिस द पोस्टीरियर एंड व्हिच इज गोइंग टू आर्टिकुलेट विदिब्रल कॉलम इज हैविंग हेड नेक एंड ट्यूबरकल नाउ वेन यू विल सी देड अगर आप पोस्टीरियर एंड पे जो आर्टिकुलर सरफेस देख रहे हैंड पे दिस इज अगेन डिवाइडेड इंटू द टू पार्ट यह डिवाइड होती है क्रेस्ट से और यह क्रेस्ट इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है जब आप पोस्टीरियर एंड देखोगे तो वो पोस्टीरियर एंड दो पार्ट में डिवाइड होता है एक क्रेस्ट से अपर एंड लोअर लोअर वाला एरिया लार्जर होता है लोअर वाला एरिया लार्जर होता है और अपर वाला एरिया स्मॉल होता है यह एरिया कहां मिलेगा हमें पोस्टीरियर एंड ऑफ टिपिकल रिप पे टिपिकल रेव आर्टिकुलेट सो आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द हेड डिवाइडेड बाय द क्रेस्ट इनटू टू द टू पार्ट्स फॉर आर्टिकुलेशन बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा सो ये वाला एरिया आर्टिकुलेट किससे करेगा ये वाला एरिया आर्टिकुलेट करेगा वर्टिब्रल बॉडी से ठीक है तो जब आप वर्टिब्रा पढ़ते हो तो उसके हम बहुत सारे पार्ट पढ़ते हैं लाइक ट्रांसवर्स प्रोसेस स्पाइनस प्रोसेस पेडिकल लेमिना बॉडी तो हम यहां पे कॉस्टल सरफेस यानी रिब्स का जो आर्टिकुलर सरफेस है उसको हम वर्टिब्रा के कौन से पार्ट से आर्टिकुलेट करने की बात कर रहे हैं बॉडी के साथ किसके साथ बॉडी के साथ और एक टिपिकल रिब कितनी वर्टिब्रल बॉडीज के साथ आर्टिकुलेट होती है आंसर टू एक रिब कितनी वर्टिब्रल बॉडीज के साथ आर्टिकुलेट होती है टू के साथ ठीक है शाफ्ट फ्लैट होता है और एक काउड है तो इसकी दो सरफेस हो गई इंटरनल सरफेस आउटर सरफेस इसकी दो बॉर्डर हो गई अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर सो इट इज इज हैविंग हैविंग द इट फ्लैट शाफ्ट विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस इट इज हैविंग द सुपीरियर मार्जिन और सुपीरियर बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर इंफीरियर बॉर्डर कैसा है शार्प है एंड यू हैव द प्रेजेंस ऑफ द कॉस्टल ग्रूव अलॉन्ग द इंफीरियर मार्जिन इंफीरियर जो मार्जिन होती है उस इंफीरियर मार्जिन के अलोंग हमें इस तरीके का एक डिप्रेशन दिखता है अंदर की तरफ एंड दिस इज नोन एज कॉस्टल ग्रूव ठीक है सो इन नटशेल जब भी आप एक रेब पढ़ रहे हैं उसको टिपिकल और ए टिपिकल बोलने के लिए हमारे को कुछ क्राइटेरियाज़ जानने जरूरी हैं। तो कौन से क्राइटेरियाज हैं जो आपको एक टिपिकल रिप में मिलेंगे कि शाफ्ट कार्ड होगा उसके दो एंड होंगे दो सरफेसेस होंगी दो बॉर्डर्स होंगी और जो पोस्टीरियर एंड है उसपे तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं हेड नैक एंड ट्यूबरकल और जो पोस्टीरियर एंड का आर्टिकुलर सरफेस है वो किसको आर्टिकुलेट किसके साथ आर्टिकुलेट करता है वो वर्टिब्रल बॉडी के साथ आर्टिकुलेट करता है एंड दीज जो, जो वो बड़ा होता है ऊपर वाला छोटा होता है ठीक है सो दीज आर टिपिकल फीचर्स नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम नाउ इन दिस डायग्राम वी आर एक्चुअली सींग ए टिपिकल रिब नाउ इस टिपिकल रिब में आपको यह पोस्टीरियर एंड नजर आ रहा है पोस्टीरियर एंड पे यहां पे यू कैन सी दैट देर आर टू आपका क्रेस्ट है दिस डिवीजन इज़ द क्रेस्ट। ऊपर वाला आर्टिकुलर सरफेस है यह नीचे वाला आर्टिकुलर सरफेस। सो पोस्टीरियर एंड इज हैविंग द आर्टिकुलर सरफेस विच इज डिवाइडेड बाय द क्रेस्ट इन टू द टू पार्ट सो यह एंड क्या हेड यहां पे एक प्रोमिनेंस मिलता है दिस इज नोन एज ट्यूबरकल एंड दिस पार्ट इज द नेक क्लियर प्लस व्हेन यू विल सी द बॉर्डर दिस इज योर अपर बॉर्डर दिस इज योर लोअर बॉर्डर नाउ इस लोअर बॉर्डर के अलोंग मीडियल सरफेस पे यहां आपको नजर आ रहा है ग्रूव दैट इज नोन एज कॉस्टल ग्रूव व्हाट इज दैट कॉस्टल ग्रूव ठीक है और एंटीरियर एंड किसके साथ मर्ज हो गया कार्टिलेज के साथ वॉट इज दैट कार्टिलेज क्लियर और ये कार्टिलेज फिर अल्टीमेटली किसके साथ आर्टिकुलेट हो जाएगा स्टर्नम के लैटरल बॉर्डर पे ठीक है सो so, जब भी आप टिपिकल पढ़ रहे हैं आपको चेक करना है हेड को 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 नेक ट्यूबरकल दो फैसेट्स हैं या नहीं और इसके कर्वेचर को ठीक है नाउ विल मूव टू द टिपिकल रिप का ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा उसमें यहां पे मैं इस डायग्राम में एक चीज फोकस कर रहा हूं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो वर्टिब्रा है वो कितनी है दो है एक वर्टिब्रा ये है और एक वर्टिब्रा ये है और दो वर्टिब्रा के लिए कॉमन रिब एक रिब आर्टिकुलेट कर रही है ठीक है सो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर ये क्रेस्ट है तो ये वाला पार्ट एक वर्टिब्रा पे गया और ये वाला पार्ट दूसरी वर्टिब्रा पे गया ठीक है सो पोस्टीरियर एंड कितनी वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट हो रहा है यहां पर दो वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट हो रहा है अब यहां पे आप एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि जो लोअर वर्टिब्रा होती है है ना ये वाली ये लोअर वर्टिब्रा है नाउ ये जो लोअर वर्टिब्रा है ये सेम नंबर की होती है जिस नंबर की आप रिब है फॉर एग्जाम्पल अगर ये फिफ्थ रिब है सपोज ये फिफ्थ रिब है तो ये वाली वर्टिब्रा कौन सी होगी फिफ्थ थॉरेसिक वर्टिब्रा और ये होगी फोर्थ थॉरेसिक वर्टिब्रा यानी जो रिब होती है उसका जो लार्जर सरफेस होता है जो लार्जर सरफेस है जो लोअर सरफेस है वो सेम नंबर की वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करता है और जो ऊपर वाला सरफेस है वो एक माइनस में आप उसमें से एक माइनस कर दें तो अगर ये फिफ्थ रिब है तो फिफ्थ रिब किस किसके साथ आर्टिकुलेट होगी फोर्थ हैंड थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ ठीक है नाउ यहां पे आप इसका एनलार्ज व्यू देख पा रहे हैं नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द टू सरफेसिस ज आर्टिकुलेटिंग विद अपर वन एंड दिस इज आर्टिकुलेटिंग विद सेम नंबर ऑफ योअर वर्टिब्रा एंड ये जो सरफेस है लार्जर होता है और पोस्टीरियर एंड दो वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट होता है दैट यू कैन एप्रिशिएट इन दिस डायग्राम ठीक है नाउ वाय दीज रेब्स आर ए टिपिकल यानी जो ए टिपिकल ग्रुप हमारे पास बच गया जिसकी हमने बात की फर्स्ट सेकेंड टेन इलेवन एंड ट्वेल्व इसका मतलब यह हुआ कि पांचों रिब्स टिपिकल फीचर्स को फॉलो नहीं कर रही हैं। तो यहां पे अगेन द बेसिक नॉलेज ऑफ द रूल ऑफ टिपिकल इज नॉट फॉलोइंग बाय रिब ठीक है सो so, इनमें ए टिपिकल क्या है वाई दे आर नॉट हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो जो फर्स्ट ट्रिप हुआ है उस फर्स्ट ट्रिप में क्या प्रॉब्लम है अगर आप फर्स्ट ट्रिप देखोगे तो सबसे पहले तो वो फ्लैट होती है हॉरिजेंटल प्लेन में यानी जो हमारी रिब्स हैं है ना वो कैसी हैं दे आर हैविंग अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर लेकिन फर्स्ट रिब कैसी है फर्स्ट रिब उल्टा है उसके पास अपर बॉर्डर नहीं है उसके पास अपर सरफेस है उसके पास इनर बॉर्डर है यानी वो फ्लैट है अगर वो इस तरह से होती तो ये अपर बॉर्डर कहलाता बट वो इस तरह से ओरिएंटेड है तो ओरिएंटेशन इज फ्लैट फ्लैट ओरिएंटेशन होने से उसके पास क्या क्रिएट हो गया सुपीरियर सरफेस एंड इनफीरियर सरफेस रादर देन सुपीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर जो हम एक क्लासिकल टिपिकल रिब में पढ़ते हैं दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ एक ही वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट हो रही है जबकि हम क्या देख रहे हैं कि टिपिकल रिब दो एडजेसेंट वर्टिब्रल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम से आर्टिकुलेट होती है ठीक है सेकेंड रिब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है अगेन इट इज फ्लैट लाइक फर्स्ट है ना यहां पर आर्टिकुलेशन तो दो वर्टिब्रल बॉडीज के साथ हो रहा है ये तो क्राइटेरिया फुलफिल है लेकिन इसका ओरिएंटेशन वापस से क्या हो गया फ्लैट हो गया जो कि फ्लैट नहीं होना चाहिए था अगर फ्लैट है तो सुपीरियर सरफेस है जबकि अगर टिपिकल रिप जैसा है तो सुपीरियर बॉर्डर है क्लियर सो so, यहां पे कौन सा रूल फॉलो नहीं हो रहा कि इसके अंदर सुपीरियर और इंफीरियर बॉर्डर नहीं हो के क्या है वापस सुपीरियर इंफीरियर सरफेस है ठीक है हाँ ये आर्टिकुलेट तो दो दो वर्टिप बॉडीज से हो रही है बट इसका

टी तो जो इलेवेंथ और ट्वेल्थ रिब होती है ये ए क्यों हो गई बिकॉज दोनों में सिंगल है पोस्टीरियरली ट्यूबरकल नहीं है इसके अंदर इसमें भी ट्यूबरकल नहीं है ठीक है जबकि हमने क्या देखा था हेड नेक ट्यूबरकल तीनों होने चाहिए ठीक है तो ये जो स्लाइड स्लाइड है आपको हमेशा याद रखनी है जब भी हम ए टिपिकल आपसे पूछा जाता है कि, rib, rib, ninth, oh, sorry, so, यहां पे आपको ये क्राइटेरिया पता होने चाहिए कि इलेवंथ एंड ट्वेल्थ दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स और इन दोनों में सिंगल फैसेट है ट्यूबरकल्स नहीं है और ये एंटीरियरली आपका जो स्टर्नम है वहां तक भी अप्रोच नहीं कर पाती है ठीक है सो दैट इज वॉट इज दे आर नोन एज ए टिपिकल ठीक है ये आपका डायग्राम है फर्स्ट फर्स्ट का सो so में आप देख सकते हो कि ये सुपीरियर सरफेस है है ना और ये इसका इनर बॉर्डर है ये आउटर बॉर्डर है जबकि टिपिकल रिप में क्या है आउटर और इनर सरफेस है सुपीरियर इंफीरियर बॉर्डर है ठीक है प्लस इसके अंदर जो हैड है ये सिर्फ सिंगल आर्टिकुलर सरफेस रखता है जबकि टिपिकल रिब के अंदर दो आर्टिकुलर होते हैं। तो ये ये फर्स्ट रिब जो जो है है। है इसलिए ए टिपिकल मानी गई नाउ इस स्टर्नम में भी अगर आप कोरिलेट करें तो यहां पे ये सरफेस है क्लैविकल के लिए लेकिन हम अगर रिब्स की बात कर रहे हैं तो हमने पढ़ा वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कितनी है सेवन यानी इस स्टर्नम के लैटरल बॉर्डर पे कितनी रिब्स के लिए फैसेट होनी चाहिए सेवन के लिए तो इफ यू विल चेक यू विल हैव दिस फैसेट फॉर द फर्स्ट देन यू विल हैव द फैसेट फॉर द सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ ठीक है सो स्टर्नम इज आल्सो शोइंग द आर्टिकुलर सरफेसिज फॉर फर्स्ट टू सेवन फर्स्ट टू सेवंथ रिब और ऊपर ऊपर वाला किसके लिए है क्लेविकल के लिए ठीक है सो दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर वाइल यू आर रीडिंग द स्टर्नम एंड ये जो जंक्शन है दिस जंक्शन इज नोन एज स्टर्नल एंगल और एंगल ऑफ लुइस सो हाउ टू काउंट द रिब्स नाउ आपके पास ये नॉलेज है कि रिब्स के के फीचर्स क्या हैं। नाउ विल कम हाउ टू काउंट द रिब्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड नो व्हेन यू आर काउंटिंग द रिप सो सबसे पहली चीज क्या है नाउ ये हमारा एंटीरियर चेस्ट वॉल है इस एंटीरियर चेस्ट वॉल पे अगर मुझे रिब्स काउंट करनी है और मुझे सारी ट्वेल्थ रिब काउंट करनी है तो क्या मैं वर्टिकली सीधा जाऊंगा तो काउंट कर पाऊंगा आंसर इज नो व्हाई बिकॉज अभी हमने देखा कि सारी रिब्स वर्टिब्रो एक्सटर्नल नहीं होती है यानी सारी रिब्स घूम के आगे नहीं आ रही है रिब्स सारी घूम के आगे नहीं आ रही है तो फिर मैं काउंट कैसे करूंगा देन माई आंसर इज दैट आई विल यूज द मेड

आई एम एबल टू फील दिस पॉइंट फर्स्ट तो सबसे पहले आप स्टर्नम पे फिंगर मूव करेंगे नाउ जब आप फिंगर मूव करेंगे तो आपको यहां पर एक रिज फील होता है नाउ फ्रंट ऑफ चेस्ट पे जो ridge feel ridge ये जो रिज फील होता है दिस रिज इज द जंक्शन ऑफ मैन्यूब्रियम एंड स्टर्नम ये जो रिज है ये रिज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस रिज की दोनों साइड जो रिब है ये है सेकेंड रिब This is the important landmark whenever we are palpating the chest when we are counting the ribs. So sabse pehle aapne sternal angle feel kiya Sternal angle ke laterally chale gaye kaun si ribs feel होगी hame Second rib. So ये एक boney landmark हो गया. कोई भी अगर आपको पूछे कि second rib मुझे feel करना है, तो कैसे करेंगे? So it is very simple. You have to first feel this. क्रेज uh, और ये जो एलिवेशन है यह जो रिज है यह क्या है इट इजन ऑफ मैन्यूब एक्सटर्नल जंक्शन उसके लैटरली कौन सा रिप है सेकंड सेकंड हमें जब पता चल गया कि दिस इज द सेकंड नाउ यू हैव टू गो डाउन सो दर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ बट यू यू कैन नॉट गो वर्टिकली यू हैव टू गो लेटरली क्लियर वाई लेटरली आई टोल्ड यू बिकॉज अगर हम लेटरली जाएंगे तो ही हम यहां तक पहुंच पाएंगे जहां पे आप देख सकते हो कि आपको ये जो रिब है जो फ्लोटिंग रिब्स हैं उनके लोअर एंड अप्रोच कर पा रहे हैं ठीक है सो so, अगर हमें ट्वेल्थ तक जाना है तो यू हैव टू गो ऑब्लिक नॉट इन द स्ट्रेट लाइन क्लियर सो दिस इज नाउ यू कैन एप्रिशिएट एक्सरे चेस्ट अगर आप एक पेशेंट का चेस्ट एक्सरे देख रहे हैं सपोज ये हमने एक चेस्ट का एक्सरे देखा है और आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है कि इसमें बताइए दो चीजें हैं जो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे और वो है से रिलेटेड कि इसमें फर्स्ट रिब कहां है या रिब्स का एंटीरियर एंड कहां है तो देखिए फर्स्ट रिब जो है ना वो यहां पे है आई एम ड्रॉइंग द आउटर लाइन ऑफ द फर्स्ट रिब नाउ दिस इज द फर्स्ट रिब नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि आप ये डाउट कर सकते हैं कि फर्स्ट ट्रिप ऐसा कैसे है? इतना ऊपर अगेन द रीजन इज कि हमारा जो फर्स्ट ट्रिप है वो सीधा ऑब्लिक है. है? है इतना ज्यादा टेढ़ा है कि इसका पोस्टीरियर एंड एंटीरियर एंड से लगभग तीन से चार सेंटीमीटर ऊपर होता है तो अगर आप साइड से देखते हैं तो पोस्टीरियर एंड कितना ऊपर है एंटीरियर एंड से थ्री टू फोर सेंटीमीटर और बिकॉज ये टू है आप सिर्फ इसमें x और y एक्सिस में बात कर रहे हैं तो जब हम इसका एक्सरे लेंगे तो ऊपर की तरफ जो एंड दिखेगा वो क्या है पोस्टीरियर एंड ठीक है अगेन अगर हम इसको इरेज करें एंड इफ आई विल टेल यू फाइंड आउट वेयर यू विल हैव द नाउ ये अगर कोई पूछे कि ये क्या है व्हाट इज दिस ये क्या है सो द आंसर इज कि ये एंटीरियर एंड है या पोस्टीरियर एंड अगेन दिस इज ए पोस्टीरियर एंड बिकॉज मैं बार बार आपको ये बात कर रहा हूं कि रिब्स हमारी ऑब्लिक है तो हमें जो ये दिख रहा है ये क्या दिख रहा है ये पोस्टीरियर एंड है इसका एंटीरियर एंड देखना है तो आपको ट्रेस करना पड़ेगा एंड दिस इट इज समथिंग लाइक दिस सो बिकॉज ऑफ द ऑबलिगिटी ऑफ द रिब्स हमें पोस्टीरियर एंड ऊपर नजर आते हैं एंटीरियर एंड आगे नजर आते हैं ठीक है तो ये सबसे कॉमनली आज क्वेश्चन है वायुवा में जब भी आपको एक्सरे दिखाया जाता है जब भी आप इस तरीके की फिल्म देखते हैं द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द रिब्स रिब्स के पोस्टीरियर एंड ही हैं जो हमें प्रोमिनेंटली नजर आ रहे हैं ये ठीक है और फर्स्ट रिब को ट्रेस करने के लिए अगर कोई बोले सो दिस इज योर फर्स्ट रिब क्लियर सो आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड How to find out the ribs on X ray. Th so, this is all about this lecture, and I hope that at the end of this lecture, you have the knowledge of the ribs, you have the knowledge how to classify the ribs, and at the end, the most important clinical uh, application how to count the ribs. So, this is all for today's class. Thank you for watching this video.